एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी कैसे हैं आप सब अभी हम लोग जा रहे हैं जॉर्जिया मेरे हस्बैंड का सडन प्लान बना है और जल्दी जल्दी से मैंने पैकिंग स्टार्ट की है सबसे पहले कहीं भी भी जाना हो सबसे पहले मैं अपनी स्किन केयर को पैक करती हूँ ताकि ये चीज़ मुझे स्किप ना हो चले जी जल्दी से पहले स्किन केयर देख लें आ, एक पाउच ले लें उसमें अपनी सारी स्किन केयर रखें सबसे पहले मैं टोनर यूज़ करती हूँ सेंटिला का ये मैंने रख दिया उसके बाद एक और टोनर यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजिना का ये वाला मिस्ट टोनर आप भी दो टोनर एटलीस्ट ज़रूर यूज़ करें एक महंगे वाला ले लें एक थोड़ा रिजनेबल ले लें जो कोरियन स्किन केयर होते हैं ना उसमें सेवन सेवन सिक्स सिक्स टोनर्स वो लोग यूज़ करते हैं चलो इतने नहीं तो दो तो यूज़ करें और ये है स्नेल एसेंस ये को एस आर एक्स का है ये भी कॉरियन ब्रांड है अगर किसी ने ये यूज़ नहीं किया तो ज़रूर यूज़ करें बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छी चीज़ है ये आई क्रीम थी ये भी कोस आर एक्स की मैंने सारी रेंज इसी ब्रांड के लिए है ये कोरियन ब्रांड है और मुझे बहुत पसंद है ये रेटिनल क्रीम है इसमें रेटिनल ऑयल भी आता है वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा इस बार क्रीम यूज़ करके देखते हैं लेकिन ऑयल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है यह स्नेल ऑल इन वन मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये मेरी फेवरेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है इसका मेरा ये थर्ड जार है तो ये मैंने रख दिया उसके बाद लिप बाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिलीन है तो वो रख लें या तो लिप बाम रख लें उसके बाद है जी ये हैंड क्रीम जॉनसन्स की है ये मैं रख दूँगी हैंड क्रीम आप ज़रूर ले कर जाएँ कहीं पर भी ट्रैवल करें अगर कोई गर्म कंट्री है उधर भी ट्रैवल करें तो हैंड क्रीम ज़रूर रखें और कोशिश करें कि छोटी ट्यूब हो या जार हो जैसे कि मेरे पास ये दो हैं तो मैं भी ये छोटे वाला ही रखूंगी जॉनसन्स वाला चलिए जी स्किन केयर तो पैक होगी अब आपने एक और पाउच बनाना है वो है मेकअप का तो चलिए अब मेकअप को पैक करते हैं सबसे पहले कहीं पे भी जाना हो स्किन केयर मेकअप ज्वेलरी अगर आपने रखनी है तो आप वो पैक करें फिर कपड़ों की तरफ आए वरना ये ना कपड़े रखते रखते ये चीज़ें स्किप हो जाए यहाँ पर मैंने अपना सारा मेकअप रखा हुआ है और ये लिमिटेड चीज़ें मैंने निकाली हैं और आपने इस बात का ख्याल रखना है कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आपने मिनिमम मेकअप रखना है दिन के वक्त ही सारा घूमना फिरना होता है तो उसी हिसाब से आपने मेकअप की चीज़ें रखनी है या तो टिंटेड मॉइस्चराइजर रख लें बीबी क्रीम रख लें या फाउंडेशन रख लें मैं लोरियल का फाउंडेशन रख रही हूँ ये हाइड्रेटिंग हेलोरिक एसिड फाउंडेशन है ये ड्राई स्किन के लिए एक लोरियल इन्फोलिबल भी आता है वो है जी ऑयली स्किन के लिए वो थोड़ा सा थिक होता है लेकिन ये वाला बहुत ही थिन टेक्सचर है बिल्कुल स्किन में अब्जोर्व हो जाता है और बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है तो मैं फाउंडेशन ही रखूंगी टिंटेड मॉइस्चराइजर मैंने वापस रख दिया है सिर्फ एक चीज़ रखनी है आपने ठीक है फाउंडेशन हो गया उसके बाद है जी एक प्राइमर रखना है आपने कोई दो तीन प्राइमर कंसीलर कुछ भी नहीं रखना सिर्फ़ एक प्राइमर रखना है जो जो कि आपका फेवरेट है ये आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा रह गया है ये एसेंस का है मिनिमाइजिंग सीरम प्राइमर है और इसमें नया सिनामाइड भी है ये प्राइमर इतना अच्छा है नहीं इसकी मैं क्या ही तारीफ करूँ ये इतना रीज़नेबल भी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी बाकी मेरे पास और भी प्राइमर हैं लेकिन सिर्फ मैं एक ही लेकर जाऊंगी क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और पोर को मिनिमाइज़ भी करता है अगर अभी तक आपने ये प्राइमर यूज़ नहीं किया तो मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर यूज़ करें आपको ज़रूर पसंद आएगा उसके बाद ये हमने रखना है ब्लश और ये है शी ग्लैम का लिक्विड ब्लश है इसका नाम है लव रोज़ पिंक कलर में है बहुत खूबसूरत लगता है चीक्स पे लगाया हुआ बड़ा फ्रेश सा फेस लगता है और पिंकी पिंकी फेस लगता है बहुत प्यारा लगता है और उसके बाद है जी ये हाइलाइटर है लिक्विड हाइलाइटर ये इसका अजीब सा नाम है आप स्क्रीनशॉट ले, ले लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको खरीदने में हाइलाइटर की एक इम्पोर्टेंट छोटी सी टिप देना चाहूँगी आपको जब भी कहीं भी आप ट्रैवल करें आपने हाइलाइटर जो सा ना लिक्विड रखना है जैसे कि ये पाउडर हाइलाइटर है ब्यूटी ग्लेस का ये मैंने पाकिस्तान से लिया था ये पाउडर हाइलाइटर आपने हर केस नहीं रखना क्योंकि डे टाइम पे घूमना फिरना है आपने सारा एक्सप्लोर करना है तो डे टाइम पे पाउडर हाइलाइटर बहुत ऑकवर्ड लगता है पाउडर हाइलाइटर हमेशा आपने नाइट टाइम फंक्शन पार्टीज में यूज़ करना है और ये लिक्विड हाइलाइटर इतना नेचुरल है ना मैं आपको क्या बताऊं ये बिल्कुल नहीं लगता कि आपने फेस पे कोई हाइलाइटर लगाया हुआ है ऐसा लगता है आपका फेस शाइन कर रहा है नेचुरली बहुत अच्छा है ये ऐसी ग्लैम का आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा उसके बाद ये एक मस्कारा रखना है आईब्राउज के लिए एक पेंसिल रख लें मैंने बेनिफिट की गूफ प्रूफ पेंसिल रखी है और ये है ग्लो ब्यूटी का आ, काजल पेंसिल है ये मैंने पाकिस्तान से ली थी फिफ्टीन हंड्रेड की और मैं दो लेकर आई थी बहुत ज़बरदस्त है बेस्ट काजल है दुनिया का एक मैं लाइनर रखूँगी ये निक्स का इंक अपिक लाइनर है आइएर मैं बहुत यूज़ करती हूँ और एक मैं पाउडर हाइलाइटर कह रही हूँ ब्लश रखूँगी नार्स का और गैजम ब्लश आप देख सकते हैं मैंने कितना ज्यादा यूज़ किया हुआ है लिक्विड ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश भी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपका ब्लश और सिर्फ दो ब्रशेज मैं रखूंगी एक काजल को ब्लेंड करने के लिए काजल वाली लुक मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और दूसरा ब्लश के लिए ब्लश के लिए आपको एक ब्रश रखना ही रखना है और एक आप आई और पैलेट जरूर रखें लेकिन ऐसी रखें जो छोटी हो बहुत बड़ी बड़ी ना रखें ऐसा नहीं कि आईज को बिल्कुल स्किप कर देना है हल्क हल्की हल्की आई शेड लगाने और बस ये जी कंप्लीट मेकअप है एक पाउच ले लें ये मेरा सफोरा का पाउच है और इसके अंदर मैं अपना सारा मेकअप रखूंगी चार दिन का ट्रिप है, है हमारा जॉर्जिया का तो मैं चार लिपस्टिक रखूँगी लिपस्टिक मैं रिपीट नहीं करूँगी और ये ऑफ कलर की लिपस्टिक है कॉरल पीट्सा शेड है इसका बहुत अच्छा लगता है कि डे टाइम पे और ये निक्स की सोन पोलो इसका नाम है ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है डिफरेंट सा पिंक कलर है एक ये रखूँगी मैं और एक ये है खुदा ब्यूटी की इसका नाम आइकॉन है और ये रस्ट सा कलर है ये भी डे टाइम पे नाइट टाइम पे भी बहुत अच्छा लगता है और ये एक मैक की लिपस्टिक है रूबी वू ये रेड कलर ये थोड़ा सा ओवर है डे टाइम पर लेकिन मुझे रेड कलर की लिपस्टिक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो मैंने ये रख ली और ये सारा मेकअप करने से पहले एवरी डे आपने मॉर्निंग की स्किन केयर करनी है मॉर्निंग स्किन केयर मेरी बहुत सिंपल है कोशिश करें कि मिनिमम रखें और नाइट की थोड़ी डिटेल में रखें ये नो मॉर्निंग में सबसे पहले वेट फेस पे मैं ऑर्डनरी का हेलोरॉनिक एसिड अप्लाई करती हूँ फिर उसके बाद उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ लोरियल का हेलोर एक्सपर्ट एस पी एफ ट्वेंटी फिर उसके बाद है ये सन ब्लॉक है सन टेला का ये सिर्फ मैं फेस पे यूज़ करती हूँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और हाथों पे जो मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ वो डिफरेंट है वो मैंने मामा अर्थ का लिया हुआ है वो मेरे हैंड बैग भी है तो हाथों के लिए भी ज़रूर लें जब आप ट्रैवल करें और ये सारा मेकअप करने से पहले आपने स्किन के ज़रूर करनी है अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र सिर्फ काफ़ी नहीं है हेलोरोनिक एसिड भी ज़रूर अप्लाई करें और एक अच्छा सा जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम है एक परफ्यूम ज़रूर रखें उसके बाद जी आ जाते हैं कपड़ों की तरफ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी कपड़े तो जल्दी जल्दी से हो जाते हैं एक तरफ मेरे सारे लॉन्ग ड्रेसेज हैं और दूसरी तरफ कोट सेट हैं और शर्ट्स वगैरह हैं तो लॉन्ग ड्रेसेज मैं कोई भी नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमना फिरना है तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है तो मैं जो कपड़े मैंने अभी तक नहीं पहने जो ब्रांड न्यू है तो वो मैं रखूँगी और ये कॉर्ट सेट मैंने लाइम लाइट से पाकिस्तान से लिया था फ़ोर थाउजेंड का ये बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ तो मैं कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं करूँगी फ़ोर डेज़ का ट्रिप है तो फोर ही ड्रेसेज आउटफिट मैं रखूँगी उसके बाद जी ये देख लेते हैं कि जॉर्जिया में सर्दी होती है तो एक आप कोट रख लें स्वेटर इतना अच्छा नहीं लगता मुझे तो मैंने कोट ही रखे हुए हैं और एक मैं शॉल रखूँगी ये मैंने लिबर्टी मार्केट लाहौर से ली थी वेलवेट की शॉल है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है अब मुझे अब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है मैं कोट रखूँ या शॉल रखूँ तो मैंने ये दोनों चीज़ें रख ली हैं ये वेलवेट का बॉटम है ये भी रख लूँगी और एक मेरे पास की के केप है गर्म केप है थोड़ी सी तो ये घर में रात के टाइम ये मैं यूज़ कर लूँगी क्योंकि मेरे पास समर के ही कपड़े हैं हाफ स्लीव्स नाइट सूट शर्ट्स हैं तो सर्दी लग सकती है और ये जी बाहर का व्यू है इतनी तेज़ धूप है अगर आप किसी ऐसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर ठंड है तो आपको गर्म कपड़े लेने की जरूरत नहीं है आप अपने समर वाले कपड़े भी यूज कर सकते हैं अगर अचानक से जाना पड़ रहा है और शॉपिंग नहीं करना चाह रहे तो इस तरह से तीन चीजें रख लें आप एक कोट रख लें एक शॉल रख लें और एक गर्म केप रख लें तो ये आप ऊपर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है हमारी अबू धाबी से फ्लाइट है बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी सारा टाइम तो मेरा पैकिंग में गुजर गया सोचा कुछ खा लेते हैं बर्गर किंग हार्टीज़ में इतना ज़्यादा रश था लाइन लगी हुई थी तो यहाँ पर हम नहीं रुके क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास हमने अपनी फ्लाइट को भी पकड़ना है तो जो आते कहा कि एयरपोर्ट जाके कुछ खा लेते हैं मैंने सिर्फ अपनी पैकिंग आपके साथ शेयर की है बच्चों की और हस्बैंड की नहीं की क्योंकि बहुत कम टाइम था सिर्फ फोर आवर्स थे मेरे पास और मैंने सब की पैकिंग करनी थी रेडी भी करना था बच्चों को और खुद भी रेडी होना था और टाइम पे घर से निकलना था तो अपनी पैकिंग बस शेयर की और बाकी फिर उसके बाद मैंने मोबाइल रख के फटाफट से बच्चों की भी पैकिंग की आ, क्योंकि टाइम बहुत कम था इन शेक्सट फिर कभी बच्चों की भी शेयर करूँगी यहाँ पर हम धाबी के एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही धाबी का एयरपोर्ट देखना है अगर आप लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे ब्लॉग के थ्रू धाबी का एयरपोर्ट देख सकते हैं मैंने कॉर्ड सेट पहना हुआ है जो मैंने लाइन नाइट से लिया था और साथ में जॉगर्स हैं ब्लैक कलर में जब भी आपने ट्रैवल करना है तो प्लीज़ आप सिर्फ जॉगर्स ही पहने इससे आपका पाउ कभी भी नहीं थकेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना होता है घूमना फिरना होता है ग्लासेस भी ज़रूर रखें यहाँ पर हम एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुँच चुके हैं चलें जी अब बाहर निकलते हैं और सामान वगैरह निकालते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें बहुत अच्छा लगता है और स्कार्फ भी मैंने हर आउटफिट के साथ डिफरेंट डिफरेंट रखे हैं कोशिश किया मैच करने की मेरे पास सिर्फ थोड़े से ही हैं उसी में इसमें बस मैच करती हूँ तो अगर आप हेड कवर करते हैं तो आप स्कार्फ भी डिफरेंट जितने दिन का ट्रिप है उतने ही रखें ये जिस स्टोलर निकाली है, इसमें बेबी को लेटा दिया है और जा रहे हैं हम एयरपोर्ट के अंदर और धाबी का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है जैसे कि दुबई का इधर इतना चलना पड़ता है एयरपोर्ट पे ही टांगे जवाब दे जाती हैं इसलिए आप जॉगर्स ही पहने बेशक फ़्लैट में भी कंफर्टेबल होती हैं लेकिन इतना चलना पड़ता है कि फ्लैट में भी पाँव दर्द करने लग जाता है और आगे आपने घूमना फिरना भी, भी हो तो जॉगर्स सबसे बेस्ट हैं और अगर आपके पास एक से ज़्यादा हैं तो एक दो रख लें शुक्र है एयरपोर्ट में ये बना हुआ है ये चलने वाला एक दो बने हुए हैं इतना लंबा ये भी रास्ता है पता नहीं इसको क्या कहते हैं वरना तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ बुख बुरी हालत हो रही थी इवन नाश्ता भी नहीं किया था सुबह मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया उसी से मेरी आंख खुली दस बजे के करीब के आज शाम को हम जॉर्जा जा रहे हैं छः बजे की फ़्लाइट है जल्दी से पैकिंग कर लो एक बजे हमने घर से निकलना है आबूधा भी जाना है तो बस जल्दी जल्दी में सिर्फ पैकिंग ही हुई उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं था कि कुछ खा पी लें बस जल्दी से हम बोर्डिंग करेंगे बोर्डिंग हो जाएगी तो फिर सुकून हो जाएगा फिर आराम से कुछ खाते हैं यहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन थी बोनिंग यहाँ पर हमारी हो चुकी है और उसके बाद हमने जवादे करेंसी चेंज करवानी थी जब भी आपने किसी डिफरेंट कंट्री में जाना है तो वहाँ की करेंसी ज़रूर लेकर जाएं वरना कोई फ़ायदा नहीं है जाने का <laughs> यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं और फाइनली हमारे पास कोई दस से बारह मिनट ही थे खाने के लिए तो मैकडोनल्ड एयरपोर्ट के अंदर ही था तो वहाँ से हमने मैकडोनल्ड लिया जल्दी जल्दी से खाया और बस जी फिर हम निकल गए अपनी फ्लाइट के लिए और यहाँ पर भी रश था काफ़ी और ये जिस फाइनली अब हम प्लेन में बैठने लगे हैं बहुत भाग दौड़ के सारा कुछ किया है पैकिंग एयरपोर्ट का जो जर्नी थी वो भी बहुत भाग भाग के की है अगर दुबई से होता तो इतना अफरा तफरी मचती <laughs> एक तो सडन ट्रिप प्लान हुआ और दूसरा के दूसरे शहर से जाना था तो इस वजह से बहुत ज्यादा अफरा तफरी में काम किया फाइनली फाइनली हम प्लेन में बैठ चुकी हैं सुख का सांस आया कि थोड़ी देर सुकून से बैठूं और बस जी अब हमारा सफर स्टार्ट होने लगा है सफ़र में बहुत ज्यादा दुआ करनी चाहिए सफर में दुआएं कबूल होती हैं अपने लिए भी किया करें और दूसरों के लिए भी जरूर किया करें पूरी उम्मत के लिए भी दुआ किया करें क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना तो जो दुआएं आपने अपने हक में की होती हैं वो सबसे पहले कबूल होती हैं तो ये भी इसी लालच में कर लिया करें <laughs> और एक इम्पोर्टेंट टिप मैंने टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स पैक नहीं किए क्योंकि जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो होटल में आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है शैम्पू कंडीशनर शावर जेल सोप वगैरह ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है तो ये चीज़ें आपने पैक नहीं करनी जॉर्जिया जाने के लिए हमने वीज़ा नहीं लिया क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन सिर्फ यू ई के रेजिडेंट्स के लिए अगर आप पाकिस्तान से जॉर्जिया ट्रैवल करते हैं तो आपको पहले वीज़ा लेना पड़ेगा और फिर ही आप जॉर्जिया जा सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं तो आप कार रेंट पे जरूर लें क्योंकि ये थोड़ा चीप भी पड़ता है बजाय इसके कि आप किसी गाइड को हायर करें आ, एक तो प्राइवेसी भी नहीं रहती दूसरा कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है किसी गाइड को हायर करना आप रेंट पे कार लें और गूगल में सर्च करें जिस जगह पे आपने जाना है और मैप लगाएं इजीली आप सारा जॉर्जिया घूम सकते हैं यहाँ पर हम लोग जॉर्जिया के एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और अपने लगेज का वेट कर रहे हैं अभी स्टॉलर भी नहीं आई तो मैं चेयर पे बैठ गई हूँ राफ़े को लेकर और जॉर्जिया के एयरपोर्ट बहुत ही छोटा सा है दुबई के सामने तो कुछ भी नहीं है मेरे ब्लॉग के थ्रू आप भी जॉर्जिया को देख सकते हैं विजिट कर सकते हैं कोई भी ब्लॉग आपने मिस नहीं करना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज